ओम। प्रिय बच्चों, हमने और आपने वीडियो के माध्यम से पिछला पाठ जो था चतुर्था पाठ पढ़ा, यानी पांचवा पाठ अपने पाठ्यक्रम से बाहर है, यानी उसमें से नहीं आएगा। तो आज अगला पाठ जो हमारा होगा वो षष्ठ पाठ यानी छठा पाठ होगा। पांचवा पाठ पाठ्यक्रम में नहीं रहेगा, तो इसलिए हम सीधा छठा पाठ पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुतम विना, यानी जो घर होता है वो बेटी के बगैर शून्यम यानी बिना। कहने का मतलब घर जो होता है वो बेटी के बगैर शून्यम यानी शून्य होता है, जीरो होता है। घर की शोभा बेटी के बगैर जीरो होती है, यानी कुछ भी नहीं होती है। पाठ ये कहना चाह रहा है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ देखिए, यानी शालिनी ग्रीष्मावकाश, शालिनी गर्मी के महीने में या गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम आगच्छति, पिताजी के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सर्वे यानी सभी प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, उनका स्वागत करते हैं। किसका? शालिनी का। परम लेकिन, तस्याः भ्रातृजाया लेकिन उनकी भाभी जी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन ही दिखाई देती हैं। यानी शालिनी जब गर्मियों की छुट्टियों में घर आती है पापा के, सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, परंतु उनकी भाभी जी उदासीन दिखाई देती हैं। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे, सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है भाभी जी चिंतिता एव प्रतीयसे, चिंतित दिखाई दे रही हैं आप। सर्वम कुशलम, क्या सब ठीक ठाक है? माला यानी भाभी जी का नाम है माला। भाभी जी कहते आम शालिनी, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लाऊँ? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पदार्थ पियेंगी अथवा चाय? शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात में सबके साथ ही भोजन करूंगी। भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, माला की जो मन की स्थिति थी वह ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ बोल भी नहीं रही थी। राकेशः यानी राकेश भाई है, भगिनी शालिनी राकेश बहन शालिनी से कहता है, दृष्टया त्वं समागता यानी तुम ठीक से आ गई अद्य मम कार्यालय, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गई अद्य मम कार्यालय, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयाः निर्धारितः, आज ही माला का डॉक्टर साहब के साथ मिलने का समय भी निश्चित हुआ। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् सम्पाद्य, उनके परामर्शानुसार जैसा उचित हो वैसा करना। शालिनी किम अभवत्, शालिनी कह रही है क्या हुआ? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या?
अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही थी। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। इति प्रतीयते स्म, मैंने ऐसा अनुमान लगा लिया था, यानी मैं कल से ही ऐसा अनुमान लगाए हुए थी कि भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है। आगे राकेश कह रहा है, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला सालिनी च चिकित्सकं प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः, माला और सालिनी चिकित्सकं प्रति डॉक्टर की ओर जाते हुए आपस में बातचीत करती हैं। सालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रात्री जाए, का समस्या अस्ति, भाभी जी क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी, मैंने 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किया हुआ है। तब भ्रातुः आग्रहः अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यानी कहना है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम्, कि मैं लिंग परीक्षण करा लूं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत, यदि कोख में कन्या है तो गर्भम पातयेयम्, तो गर्भ गिरवाना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत बेचैन हूँ। परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई बातचीत नहीं सुन रहे हैं, परंतु तुम्हारे भाई कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जो पाठ हमने पढ़ा, यानी अतीब उद्विग्नास्मि, परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, मैं बहुत बेचैन हूँ, परंतु तुम्हारे भाई कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? शिशु कन्या अस्ति चेत बधा रहा, यदि बच्चा बेटी है तो क्या बध योग्य है, यानी मारने लायक है? जघन्यम कृत्यमिदम, ये घोर अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सा तब शरीरे स्थितस्य शिशो पदार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में पलने वाले बच्चे को बध करवाने की सोच रहे हो। त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, तुम शांत बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी वापस घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, यानी लिंग परीक्षण कराने की कोई जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएगा मैं उससे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ और पैर धुल करके, वस्त्रादि च, और वस्त्र परिवर्तन करके, यानी कपड़े बदल करके, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर जा करके, दीपं प्रज्वालयति, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और माँ दुर्गा की पूजा करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेशः, राकेश कहता है, माले, अरे माला, तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अखतयत सा, उसने क्या कहा? माला मौनम एव श्रयति, माला मौन बैठी रही। तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, पितुः क्रोड़े उपविशति, यानी तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता की गोद में आकर बैठ गई। तस्मात् चाकले हम च याचते, और उनसे चॉकलेट मांगने लगी। राकेश अंबिका लालयति, राकेश ने अंबिका को प्यार करते हुए चाकले हम प्रदाय, चॉकलेट दे करके, ताम क्रोड़ात अवतारयति, उसको गोद से उतार दिया। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकम दृष्टिम क्षिपति, और फिर दोबारा से माला की ओर मतलब प्रश्न पूछने की दृष्टि से देखने लगता है। शालिनी ये तत्सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता यानी भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छासि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षी पुत्रास्ति वा पुत्री,
उसकी कोख में बेटी है अथवा बेटा, किमर्थम किस लिए, षण मासानांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले ऐसा जानने की इच्छा भी कैसे की। राकेश कहता भगनी बहन तुम तो जानासि एव, तुम तो जानती ही हो अस्माकं गृह अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अपने घर में अंबिका बेटी के रूप में है ही, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब आगे एक बेटे की आवश्यकता है। शेष पाठ हम और आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे।